एमएनएस न्यूज लाइव के साथ चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। घर पर कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद होम आइसोलेशन में गौतम गंभीर। बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर पर बताया कि घर पर कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मामला सामने आने के कारण वह होम आइसोलेशन में है और अपनी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, हर किसी से सभी गाइडलाइंस का पालन करने और उसे हल्के में ना लेने का आग्रह करता हूँ, सुरक्षित रहे। दूसरी ओर ससुराल में मोबाइल गुम होने के बाद झारखंड के शख्स ने घर लौटकर पत्नी को फंदे पर लटकाया। चतरा झारखंड में एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अफसर अविनाश कुमार ने बताया कि आरोपी उमेश भुइया का मोबाइल ससुराल से गुम हो गया था और वह घर लौटने पर मोबाइल को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने पत्नी को फंदे से लटका दिया। वहीं तीसरी ओर फटाके जलाने या बेचने पर लग सकता 1 लाख तक का जुर्माना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस सीजन फटाके जलाने या बेचने पर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। गौरतलब है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ग्रीन सहित सभी तरह के फटाके के इस्तेमाल व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। धन्यवाद।